हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम स्टार्ट करेंगे टैक्स के साथ। द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ टैक्स हम सीखेंगे। तो हम बेसिकली एक एक्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961। मींस हम लोग वो एक्ट जो 1961 में लॉन्च हुआ था उसी को हम पढ़ते आ रहे हैं। विथ एवरी ईयर इसमें क्या होता है, मॉडिफिकेशंस होते हैं। एवरी ईयर इसमें क्या होते हैं, मॉडिफिकेशन, कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ नए रूल्स आते हैं, कुछ नए प्रोविजंस आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले हम इनकम टैक्स एक्ट का इम्पोर्टेंस और हिस्ट्री को जानेंगे। इम्पोर्टेंस एंड हिस्ट्री, वाई इज इट नेसेसरी टू नो द हिस्ट्री, बिकॉज हमें पता होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका बैकग्राउंड क्या है। What's the background and what's the theory after this? तब हमको वो concept ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले importance से start करते हैं कि why the income tax or the taxation structure is important। ठीक है, ये हमें सबसे ज़्यादा जानने की ज़रूरत है कि why it's important, क्या reason है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि हमारा टैक्सेशन से दो ऑब्जेक्टिव होता है, टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, जिसमें फर्स्ट होता है इकोनॉमिकल एंड सेकंड होता है सोशल। क्या होता है, इकोनॉमिकल एंड सोशल। अब हमें पता है कि हम टैक्स क्यों लेते हैं। टैक्स लेने के दो रीजन होते हैं। सबसे पहले तो सरकार को अपना एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, सरकार को अपना एक्सपेंसेस करना पड़ता है देश को रन करने के लिए। रोड बनवाना पड़ता है, ब्रिजेस बनवाना पड़ता है, और भी बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है डेवलपमेंट ऑफ द नेशन के लिए। और दूसरा होता है सोशल। दूसरा क्या होता है, सोशल। क्या होता है कि अगर हम रिच लोगों पर अगर हम टैक्स लगाते हैं तो क्या होगा, उनका वेल्थ डिक्रीज होगा एंड देयर इज अ चांसेस कि पैरिटी ऑफ इनकम आए। क्या होगा, जिसने देखो सौ रुपया कमाया है उस पर कोई टैक्स नहीं लगा, लेकिन जिसने 250 रुपया कमाया है अगर मैं उस पर 70 रुपये का टैक्स लगा दूं तो उसकी इनकम कितनी हो गई, 180, और इसकी इनकम कितनी हो गई, 100 रुपये। तो क्या हुआ, पहले 100 250 थे, अब कितना हो गया, 100 और 180। मीन्स थोड़ी सी इक्वालिटी ऑफ इनकम आती है। क्या आती है, इक्वालिटी ऑफ इनकम इन अ नेशन, ये हमारा टैक्सेशन स्ट्रक्चर मानता है। ठीक है, एक और बात, हम टैक्सेशन जो होता है वो मोटिवेट करता है। क्या चीज को मोटिवेट करता है, पर्सनल सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स इसको मोटिवेट करता है। क्या होता है, हमारे यहाँ पर सेक्शन है अंडर सेक्शन 80C, अगर हम अपनी कुछ इनकम की पार्ट अगर इन्वेस्ट करते हैं इन सेक्शन के अकॉर्डिंग, जैसे कि LIC में, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है टैक्स डिडक्शन। सरकार बोलती है कि अगर आप अपना पैसा LIC में लगाते हो, मतलब आप अपने लिए ही इंश्योरेंस परचेज कर रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा, आपको टैक्स डिडक्शन मिलेगा, मतलब आपकी इनकम पे आपको टैक्स नहीं लगेगा। ये सारे बेनिफिट जो है वो हमें टैक्सेशन के थ्रू मिलते हैं। ठीक है, एक और चीज सरकार को ध्यान देना पड़ता है कि टैक्स जो है वो ना ही एकदम ज्यादा हो कि पब्लिक पे बोझ पड़े, और ना ही एकदम कम हो। एकदम ज्यादा होगा तो क्या होगा, कंट्री के अंदर वॉर जैसा माहौल होगा, सब कोई विरोध करना स्टार्ट कर देंगे, रिवॉल्ट्स होगा। और टैक्स अगर एकदम कम हो गया तो सरकार अपने एक्सपेंसेस नहीं कर पाएगी, देश का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये सब क्या है, हमारा टैक्स लगाने का हम बेनिफिट्स और इम्पोर्टेंस के अंदर काउंट करते हैं। ठीक है, अब एक बात और जान लो, टैक्स जो है वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो डायरेक्टली आपकी इनकम पे लगता है, जो आपने इनकम अर्न की है उस पर डायरेक्टली चार्ज हो जाता है, लेकिन इनडायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट काइंड ऑफ वही है जो आप इनकम किया, इनकम आपने 100 रुपये की, 100 रुपये में से आपने 10 रुपये का लेस परचेज किया,
आपने 10 रुपए का लेस परचेज किया और लेस पे आपने 1 रुपए का इनडायरेक्ट टैक्स पे किया। पे किसने किया? पे किया आपने, आपने अपने 100 रुपए की इनकम में से 1 रुपए का टैक्स पे किया, आप ही ने किया लेकिन इनडायरेक्ट किया। मतलब ये इंसान जो बीच में सेलर था, आपने इसके थ्रू इस 1 रुपए को पेमेंट किया। पहले हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस में बहुत सारा टैक्सेस होता था, जैसे कि वैट, एक्साइज और सेल्स टैक्स, जिसके अंदर वैट आ जाता है और CST आ जाता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हमारे टैक्सेस होते थे, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी होता था, सर्विस टैक्स होता था, ये सब हमारे अलग अलग टैक्सेस होते थे। लेकिन अब ये सब हट गया है, अब ये सब हट गया है, अब क्या आ गया है, अब आ गया है GST। क्या आ गया? GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हम एक ही टैक्स अब फॉलो करते हैं, जो भी वैट, एक्साइज, CST, सर्विस टैक्स सब इसके अंदर इंक्लूडेड हो गया है। और इनकम जो हम अर्न करते हैं डायरेक्टली, हम अपनी कमाई पे सरकार को टैक्स दे देते हैं, वो हो गया डायरेक्ट टैक्स। अब इसमें कुछ स्लैब्स होते हैं, उन स्लैब्स के अकॉर्डिंग हम टैक्स की पेमेंट करते हैं, स्लैब्स के अकॉर्डिंग हम टैक्स की पेमेंट करते हैं। तो मैं अभी आपको इनकम टैक्स के स्लैब्स नोट डाउन करवा देता हूं कि क्या क्या इनकम टैक्स के हमारे स्लैब्स होते हैं, एकदम जस्ट बेसिक कॉमन वाला। अगर आप 2.5 लाख रुपए तक कमाते हैं एक साल में, अगर आप 2.5 लाख रुपए तक कमाते हैं तो आपको जो टैक्स है वो कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल निल, ठीक है। और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये आपका सेस लगता है इस टैक्स पे, इस टैक्स पे सेस लगता है। तो जब टैक्स ही नहीं है तो सेस भी क्या होगा? निल, ठीक है। अगर आप 2.5 लाख, अगर आप 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में कमाई करते हैं, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में कमाई करते हैं, तो देखो शुरू की 2.5 लाख, जो शुरू की 2.5 लाख थी उस पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन ये जो 2.5 लाख रुपए की इनकम है, और ये 2.5 लाख मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 1 हो जाएगा, मतलब 2.5 लाख 1 रुपया से अगर आप 5 लाख रुपए तक कमाते हैं तो आप पे जो टैक्स लगेगा वो 5% का लगेगा। कितने परसेंट का लगेगा? 5% का। और सेस कितना लगेगा? 4%। सेस कितना लगेगा? 4%। अगर आप 5 लाख 1 रुपया से लेके 10 लाख रुपए तक की अर्निंग्स करते हैं तो आप पे कितना टैक्स लगेगा? 20%। कितना टैक्स लगेगा? 20%। और यहां पर आपके सेस कितना लगेगा? 4%, ठीक है। अगर आप 10 लाख से अबव कमाते हैं, 10 लाख 1 एंड अबव, तो आप पे जो सेस लगेगा वो 30% लगेगा, ठीक है। कितना लगेगा? 30%। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट्स? और यहां पर सेस कितना लग जाएगा? 4%। तो आप ये नोट डाउन करके रख सकते हैं कि सर हमारा इन जनरल स्लैब्स क्या होता है। तो ये हमारा इन जनरल स्लैब्स है, ठीक है। चलो आप लोग को अगर नोट डाउन करना है देन यू कैन, ओके। देख लो टैक्स की हिस्ट्री क्या है। 1860 में ब्रिटिश रूलर्स ने हमारे इंडिया में टैक्सेशन सिस्टम को लॉन्च किया, और जो 26 साल तक एक्सपेरिमेंट बेसिस पे चलता रहा, और फिर उसके बाद इसी में कुछ चेंजेस करते रहे, और उसी कंटेक्स्ट को हम डे टू डे यूज कर करके, चेंजेस कर करके हम 1917 तक यूज करते रहे। फिर 1918 में एक नया टैक्स सिस्टम बनाया जो सिर्फ 4 इयर्स के लिए चला। देखो ध्यान से, सिर्फ 4 इयर्स के लिए ही एक टैक्स एक्ट बनाया गया जो 4 इयर्स के बाद एबॉलिश करके 1922 में एक नया टैक्स एक्ट लाया गया। ये भी ब्रिटिश के द्वारा ही लाया गया था। और फिर 1961 में भारत ने अपना इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 को लॉन्च किया। ये हमारा इनकम टैक्स एक्ट का हिस्ट्री है, ठीक है। तो इस एक्ट के रिलेटेड अब हम इस एक्ट के अंदर जाते हैं और इस एक्ट को समझते हैं कि एक्चुअली ये एक्ट है क्या। तो इसमें हमें पहले कुछ डेफिनेशंस कवर अप करने पड़ेंगे, कुछ डेफिनेशंस, कुछ टर्मिनोलॉजीज हमें समझनी पड़ेगी, जिसमें सबसे पहला है SSC। कौन है? SSC। अगर सिंपल टर्म्स में SSC का बोलूं तो ये होता है आम आदमी जिसको टैक्स पे करना है,
मतलब कोई भी वो इंसान हु इज लाइबल टू पे टैक्स और एनी सम ऑफ मनी अंडर इनकम टैक्स एक्ट, वो क्या होता है? एसएससी। तो आप इसका एक सिंपल वर्ड्स का डेफिनेशन लिख सकते हैं और फिर एक जो सेक्शन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है वो भी लिख सकते हैं। सिंपल लिखने से क्या होगा, आपको रिविजन और अंडरस्टैंडिंग ईजी रहेगी। तो लिख सकते हैं क्या होता है एसएससी का मीन्स, क्या होता है, अ पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स, हु इज लाइबल टू पे टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी और एनी अदर सम ऑफ मनी अंडर इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल वर्ड्स का डेफिनेशन कि एसएससी क्या हुआ। सर एसएससी एक वो पर्सन हुआ जिसको टैक्स देना है, दैट ही इज लाइबल टू पे टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी अंडर इनकम टैक्स एक्ट। जो इनकम टैक्स के अंदर आके अगर किसी को कोई पेमेंट करनी पड़ती है तो वो एसएससी होता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट ही इज एन एसएससी। आपके पापा एसएससी है, आपके चाचा एसएससी है, आपके ताऊजी एसएससी है, बिकॉज दे आर लाइबल टू पे टैक्स। Why they are liable to pay tax? Because they earn money and that money falls under the Income Tax Act. ठीक है, क्लियर हो गया। ये बात एकदम ध्यान रखना कि हर एक एसएससी तो इंसान है, बट हर एक इंसान एसएससी हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि एसएससी तो वही है जो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर फॉल करता है, जो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर फॉल करता है सिर्फ वही एसएससी है। ठीक है, हर एक इंसान एसएससी हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर सपोज करो किसी की इनकम 2.5 लाख के नीचे है, अगर किसी की इनकम 2.5 लाख के नीचे है तो उसको टैक्स नहीं देना है। सर अगर उसको टैक्स नहीं देना है तो क्या वो एसएससी हुआ? सर वो एसएससी नहीं हुआ। ठीक है, सपोज करो कि एक पर्सन है जिसकी इनकम तो 1,20,000 है, बट उसको एक इंसान का टीडीएस काटना था, मीन्स टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। उसने किसी इंसान को पेमेंट किया कि कोई भी सैलरी दिया, सपोज मैंने आपको सैलरी दिया, आपकी सैलरी का मेरे को टीडीएस काटना चाहिए था बट मैंने नहीं काटा। तो ये इंसान जिसकी इनकम तो 1,20,000 है बट टीडीएस नहीं काटने के वजह से आई बिकम द पार्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एंड आई एम लाइबल टू पे द टैक्स और टू पे द पेनल्टी। तो ये क्या हुआ, ही फॉल अंडर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, अब हमारे पास दो तरह के ईयर आते हैं। एक होता है प्रीवियस ईयर, क्या होता है प्रीवियस ईयर, और एक होता है असेसमेंट ईयर, क्या होता है असेसमेंट ईयर। ये हम दो ईयर के थ्रू जाते हैं, इसको हम लिखते हैं कैपिटल पी डॉट कैपिटल वाई डॉट ए डॉट वाई डॉट, ये हम इनको शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। देखो आपने 2017-2018 में आपने एक इनकम अर्न की, अच्छा सर ये 2017-18 तो 2 साल हो गए। नहीं बच्चों, एक चीज ध्यान रखना, ये 2017-18 कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल 2017 से लेके 31 मार्च 2018। तो इस पीरियड के दौरान आपने जो भी इनकम अर्न की, ठीक है, वो इनकम आप इंडियन टैक्स एक्ट के अंदर फॉल करते हैं तो आपको क्या बोला जाएगा कि द इनकम अर्न इन द प्रीवियस ईयर। ये प्रीवियस ईयर किसका है, ये आपका है। आपने 2017-18 तक अर्निंग की, मतलब 31 मार्च 2018 तक आपने कमाई की। अब क्या हो गया, अब आप आ गए 1 अप्रैल 2018 में। 1 अप्रैल 2018 मतलब आपके हिसाब से तो नया साल शुरू हो गया आज, मतलब फर्स्ट, सपोज करो कि आज 1 अप्रैल है तो आप क्या बोलोगे कि सर जो मेरी प्रीवियस ईयर की इनकम थी वो थी 2.5 लाख रुपए। सर जो मेरी प्रीवियस ईयर की इनकम थी, मतलब प्रीवियस ईयर 17-18 की जो मेरी इनकम थी वो थी 2.5 लाख रुपए। तो आप समझ में आया कि प्रीवियस ईयर माने क्या होता है, प्रीवियस ईयर मतलब जिस ईयर में आपने इनकम अर्न की,
अब प्रीवियस ईयर जरूरी नहीं है, सपोज करो कि आज की तारीख 1 अप्रैल 2018 है, आप बोल सकते हो कि प्रीवियस ईयर 2002-03 कि सर मेरी इनकम 60,000 थी, सर प्रीवियस ईयर 2008-09 की मेरी इनकम 1,70,000 थी। बात समझो, प्रीवियस ईयर मतलब ड्यूरिंग दिस ईयर द इनकम अर्नड बाय यू, ये इनकम आपने अर्न की है ड्यूरिंग दिस ईयर, ड्यूरिंग दिस ईयर। तो सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेसमेंट ईयर, सर ये तो चलो मैंने इनकम अर्न कर ली, चलो अब यहां पर आ जाते हैं। आपने इनकम अर्न की 2002 और 3 में, 2002-03 का मतलब क्या होता है, 1 अप्रैल 02 से 31 मार्च 03 इस पीरियड में आपने इनकम अर्न की, तो बच्चा आपका असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 03 से लेके 31 मार्च 04, ये आपका असेसमेंट ईयर हो जाएगा। तो सर इसका मतलब क्या हुआ प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, सर प्रीवियस ईयर में तो आपने इनकम अर्न की है, इनकम अर्न की, और असेसमेंट ईयर में सर आप इनकम अर्न को फाइलिंग करते हैं, मतलब सरकार को आप बताते हैं कि सर मैंने मेरे प्रीवियस ईयर 2002-03 में इतनी इनकम अर्न की। सपोज आप 1 अप्रैल 2003 को ही बता दो, मतलब अगले दिन, क्योंकि 31 मार्च का अगर आप इनकम इंक्लूड कर रहे हो तो रात 12 बजे तक इंक्लूड कर रहे हो, अगर सर रात 12:01 हो गया, मतलब 0001 हो गया और ये एएम में आ गए, जब आप एएम में आ गए तो ये डेट चेंज होके 1 अप्रैल 2003 हो जाएगी, तो अब आप जो भी इनकम अर्न करोगे वो आपके नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड होगी। अब आप जो भी इनकम अर्न करोगे वो आपके नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड होगी। तो अब बात को समझो कि अगर आपने इनकम कमाई 2003-04 में, तो उसकी आप रिपोर्टिंग कब करोगे, 2004-05 में, मतलब अगले साल मैं अपनी इनकम की डिटेल्स गवर्नमेंट को दूंगा, यहां पर मैंने अर्न की और यहां पर मैं गवर्नमेंट को दूंगा, और गवर्नमेंट उसको चेक करेगी कि आपने जो इनकम की डिटेल्स दी है क्या वो करेक्ट है या वो रॉन्ग है। ठीक है, असेस करना मतलब चेकिंग करना, असेसमेंट वर्ड अपने आप में बोल रहा है, तो यहां अर्न करो और यहां पर अपनी चेकिंग करवाओ, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। ठीक है, अब यहां पर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि किसी बिजनेस का असेसमेंट ईयर कब से स्टार्ट होता है, किसी का प्रीवियस ईयर कब से स्टार्ट होता है, वो हम जब फर्दर लॉ डिस्कस करेंगे देन हम उसको लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर हम कुछ हेड्स ऑफ इनकम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, हेड्स ऑफ इनकम, और ये हेड्स ऑफ इनकम में ही आप बोल सकते हैं दैट दीज आर द सोर्सेज ऑफ इनकम, कलेक्टिवली हम इनको सोर्सेज ऑफ इनकम भी बोल सकते हैं कि सर हमारी इनकम यहां से आती है। तो सबसे पहला हेड जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कोई भी अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी और वहां से अगर आप कोई भी इनकम जनरेट करते हो तो वो इसके अंदर फॉल करती है। देन कम्स द सैलरी, आप कहीं पर भी किसी भी के अंडर काम कर रहे हो और वहां से अगर आप सैलरी ले रहे हैं तो वो आपके सैलरी हेड के अंदर आएगी। थर्ड होती है कैपिटल गेन, क्या होता है कैपिटल गेन, अगर आपके पास कोई कैपिटल है, इफ यू हैव एनी कैपिटल, तो अगर आपके पास कोई भी कैपिटल है और वहां से अगर आप उसको सेल ऑफ करते हैं, व्हेन यू सेल योर कैपिटल, जब आप अपने कैपिटल को सेल करोगे तो वहां से एक प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट को हम कैपिटल गेन्स के अंडर डालते हैं। इसके बाद आता है बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस एंड प्रोफेशन, सर व्हाट इज बिजनेस एंड व्हाट इज प्रोफेशन, ये ट्रेडिंग का काम हो गया, मैन्युफैक्चरिंग का काम हो गया। प्रोफेशन डॉक्टर लॉयर, द वन हु टेक द फी, जो फी लेते हैं, दे आर द प्रोफेशनल्स, दे हैव द पर्टिकुलर स्किल्स, वो उन स्किल के अगेंस्ट अपना पैसा लेते हैं। और सर अगर कोई भी ऐसी इनकम जो इन चारों के अंडर नहीं आती है, सरकार उसको बोलती है अदर सोर्सेज ऑफ इनकम, मतलब बच्चा कहीं से भी पैसा कमा लो पेमेंट करनी पड़ेगी, या तो घर या सैलरी या कैपिटल या बिजनेस और प्रोफेशन, अगर आप बचना चाहो बोलो कि मैं तो इन चारों में कहीं नहीं आता, मैं टैक्स नहीं दूंगा, तो आप इसके अंदर आ जाओगे, आप इसके अंदर आओगे और आपको टैक्स देना पड़ेगा।
ठीक है, चाहे आप पैसा कभी भी कहीं से भी कैसे भी कमाओ। ठीक है, अदर सोर्सेज ऑफ इनकम के अंदर आ जाता है बैंक, अगर आपको कोई इंटरेस्ट देती है, याद रखना सेविंग्स बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है, ठीक है ना। लॉटरीज, अगर आप कोई लॉटरीज में पैसा अर्न करते हैं, वो क्रॉसवर्ड्स पजल्स के अंदर अगर आप कोई पैसा अर्न करते हैं, ठीक है, वो सब इसके अंदर, मतलब कहीं से भी पैसा आ जाए वो पैसा आपका हम इन सब चीज़ों में ऐड कर देते हैं। नाउ हेयर कम द रेसेस, घोड़े की रेस होती है वहाँ पर लोग बेटिंग करते हैं, वो आ जाएगा। कोई गेम खेलते हैं न्यू ईयर पे, सेवन अप सेवन डाउन, ठीक है, या कोई भी अगर आपको गिफ्ट मिला, कोई भी आपको गिफ्ट मिला 50,000 रुपये से ज़्यादा का कैश में, तो वो हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अच्छा, किस किस को टैक्स देना पड़ता है, किस किस को टैक्स देना पड़ता है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हु हैव टू पे द टैक्स। अच्छा, टैक्स जो है ना वो देना पड़ता है पर्सन को, टैक्स किसको देना पड़ता है, पर्सन को। पर्सन के अंदर हम 7 कैटेगरीज होती है, एक पर्सन के अंदर 7 कैटेगरीज डिफाइन की है इनकम टैक्स एक्ट ने। दोज 7 कैटेगरीज के अगर अंडर आप फॉल करते हैं देन यू हैव टू पे द टैक्स, ठीक है। 6 हुआ ये, वन मोर 7। तो सबसे पहले पर्सन कौन आता है, एक इंडिविजुअल आता है, कौन आता है, एक इंडिविजुअल, जैसे हम आप कोई भी एक इंडिविजुअल हो सकता है, ठीक है। कोई भी एक इंसान जो पैसा कमाता है और इनकम टैक्स एक्ट के अंदर फॉल करता है वो एसएससी है, तो फिर वो इंडिविजुअल हो गया। एक आता है एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्या होता है, फैमिली का ना पूरा एक ग्रुप बनाया जाता है, फैमिली का एक ग्रुप बनाया जाता है जिसमें मम्मी पापा भाई बहन, इन चारों का एक ग्रुप बनाया गया और इनको बोला गया दैट वी आर द पार्ट ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में एचयूएफ को एक पर्सन के नाम से बोला गया, मींस दीज 4 आर कलेक्टिवली द पर्सन, और इन चारों का हेड, इन चारों का हेड जो पापा है, पापा को नाम दिया गया दैट पापा इज द कर्ता, कर्ता धर्ता कौन है, पापा ही है। तो इन सब चीजों के लिए लाइबल कौन होगा टैक्स पे करने के लिए, कर्ता मतलब पापा। फिर आता है कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वन पर्सन कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जो भी आर्टिफिशियली क्रिएट हुआ है, आर्टिफिशियली क्रिएटेड बाय लॉ, क्रिएटेड बाय लॉ, उन सभी को टैक्स देना पड़ेगा। तो कंपनी इज ऑल्सो अ पर्सन एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, कंपनी इज ऑल्सो अ पर्सन एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। फर्म, कोई भी पार्टनरशिप फर्म, वेंचर कैपिटलिस्ट या फिर प्राइवेट वेंचर्स अगर खोलते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, ये सब क्या हो गए, हमारे फर्म कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, इसके बाद होता है लोकल अथॉरिटीज, कौन हो गया, लोकल, लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी के अंदर कौन आ जाएगा, लोकल अथॉरिटी के अंदर आता है आपका म्युनिसिपैलिटी, आप लिख सकते हैं म्युनिसिपैलिटी, पंचायत, लिख लो पंचायत, पोर्ट ट्रस्ट। तो अगर इन सब की कोई इनकम होती है तो ये सब भी एक पर्सन है, और पर्सन हैज टू पे द इनकम टैक्स एक्ट के अगर वो अंडर आता है तो उसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, लिख लो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जैसे कि कुछ स्टेट्यूटरी कॉरपोरेशन होती है, क्या, स्टेट्यूटरी, स्टेट्यूटरी कॉरपोरेशन, जैसे कि LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, या फिर कोई यूनिवर्सिटी, कोई यूनिवर्सिटी, इवन आपका कलकत्ता यूनिवर्सिटी भी